नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप .com आपसे मुखातिब होता हूँ वीकली स्टॉक्स एंड कमोडिटी एनालिसिस के साथ। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मई माह का चौथा सप्ताह का प्रतिनिधित्व चंद्र ग्रह करता है और सन 2021 का प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में चंद्र ग्रह को सभी ग्रहों में रानी का दर्जा दिया जाता है। कृषि जिन्सों में यह निवेशकों के मनोविज्ञान पर भी इसका प्रभाव सर्वाधिक देखा जाता है। चंद्रमा मन का भी कारक एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है। सप्ताह के दौरान ग्रहों का राजा सूर्य, बुध, शुक्र एवं राहु वृषभ राशि में विराजमान होंगे। देवरूप बृहस्पति कुंभ राशि में होंगे तथा शनि ग्रह मकर राशि में होंगे। वायु तत्व की राशि यानी मिथुन राशि में विचरण कर रहे होंगे। सप्ताह के दौरान चंद्रमा तुला एवं वृश्चिक राशि के अंदर विचरण करेंगे। यह सब ग्रह संयोग मिश्रित रूप की रचना राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कर सकते हैं। हमारी पिछली भविष्यवाणी शेयर बाजार एवं कमोडिटी बाजार पर सत्य साबित हुई। पिछले सप्ताह हमने आपको हिंदुस्तान जिंक में लगभग 16%, हिंदुस्तान कॉपर में लगभग 9% की तेजी दर्ज हुई। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पावर टाटा पावर एवं वेदांता में लगभग पिछले सप्ताह 5% की तेजी दर्ज हुई। बलरामपुर चीनी ने लगभग 10% की एक तरफा तेजी दिखाई दी और प्राज इंडस्ट्री ने तो लगभग 27% की जबरदस्त तेजी पिछले सप्ताह दर्ज हुई, जिसकी अग्रिम विश्लेषण हमने आपको पिछले वीकली न्यूज लेटर में दिया था। हल्दी में लगभग 9% की एक तरफा तेजी एवं कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी लगभग 4% की बड़ी तेजी दर्ज हुई। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने एवं पाठकों ने भरपूर लाभ उठाया होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमोडिटी का सुपर साइकिल चालू हो चुका है और लगभग सभी कमोडिटी एवं कृषि जीन्स या फिर मेटल अपनी उच्चतम ऊंचाइयों पर ट्रेड कर रहे हैं। यद्यपि महामारी के दौर में देश के विभिन्न राज्यों एवं लॉकडाउन की स्थिति है, मीडिया मंडियां एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान लॉकडाउन में हैं, इसके बावजूद कमोडिटी सुपर साइकिल में गिरावट की संभावना कम ही नज़र आती है। हमने आपको पिछले आर्टिकल्स में एवं पिछले शो में सरकार द्वारा खाद्य तेलों में तेजी को लगाम लगाने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की थी, जो होती नज़र आ रही है। सरकार द्वारा पाम ऑयल में लगभग 17.5% एवं सोयाबीन में लगभग 20% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस घटाने के संकेत दिए हैं। इसमें खाद्य तेलों में मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती है। ये भी ध्यान देना चाहिए, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% खाद्य तेल आयात करता है यानी इंपोर्ट करता है, जो कि लगभग 75,000 करोड़ का है। इस साल खाने के तेलों में कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, लगभग 55% की एक तरफा तेजी दर्ज हो चुकी है। सोयाबीन में तेजी की एक बड़ी वजह चीन द्वारा सोयाबीन का एक बड़ा भंडारण करना भी है। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना में भी सोयाबीन के फसलों पर नुकसान एवं धीमी गति से कटाई के कारण खाद्य तेलों में विश्व बाजार में एक तरफा तेजी दर्ज हुई। सोयाबीन का तेल लगभग 105 से 133 रुपए का स्तर बाजारों में देखा जा रहा है, जबकि सरसों ऑयल में लगभग 50% की बड़ी तेजी दर्ज हुई और यह लगभग 110 से 165 तक के बाजारों में देखा गया। सोयाबीन में भी 37% की एक तरफा तेजी सोया ऑयल में देखी गई। मूंगफली का तेल भी लगभग 38% की एक तरफा तेजी दर्ज हो रही है और ये 130 के मुकाबले 180 रुपए तक का बाजारों में देखा गया। हम अपने पिछले लगातार शो एवं आर्टिकल्स में इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उपरोक्त कारणों से ये सब सप्ताह सोयाबीन, कपास, खली, सरसों एवं पाम ऑयल यानी ताड़ का तेल में कमजोरी की संभावना हाजिर एवं NCDX पर बन सकती है। कॉटन ऑयल सीड केक में भी कुछ मुनाफा वसूली का दौर चल सकता है, अतः अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता है। पिछले सप्ताह स्टील के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जबरदस्त गिरावट दर्ज हो रही है, इसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ने की पूरी संभावना है। इस सप्ताह तांबा एवं स्टील के दामों में कमी की संभावना या गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में पिछले शुक्रवार को जबरदस्त तेजी दिखाई दी। बैंकिंग, फर्टिलाइजर, फार्मा और शुगर स्टॉक्स ने पिछले सप्ताह बड़ी अच्छी मूवमेंट दी, जिसके संकेत हमने अपने पिछले आर्टिकल में दिए थे।
इस सप्ताह मेटल स्टॉक्स के ऊपर मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती है, विशेष ख्याल रखें। सप्ताह की शुरुआत में मेटल स्टॉक्स जैसे वेदांता, टाटा स्टील एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कुछ मुनाफा वसूली के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन टाइमली मुनाफा वसूल का अत्यंत आवश्यक होगा क्योंकि सप्ताह के दूसरे सेकेंड हाफ में बाउंस बैक भी हो सकता है। पावर स्टॉक पिछले सप्ताह जबरदस्त मुनाफा कमाने में आगे रहे, चाहे इसमें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन हो, टाटा पावर हो या फिर एनटीपीसी हो। इस सप्ताह पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाओं से इनकार नहीं किया। फार्मा टेक्सटाइल एवं दूरसंचार के स्टॉक्स में अभी भी कुछ मजबूती बनी रह सकती है। कोरोना महामारी अब धीरे धीरे काबू में आ जाएगी और अगले लगभग 4 से 5 सप्ताह में स्थिति सामान्य होने की पूरी पूरी उम्मीद बनती है। इसका सकारात्मक प्रभाव जनजीवन एवं इकोनॉमी पर पड़ने की संभावना है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के आधार पर खाद्य तेलों में अब सावधानी रखने की अत्यंत आवश्यकता है। 14 मई से शुरू होने वाले साप्ताहिक सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुपये के उतार चढ़ाव की संभावना बनती है, विशेष सावधान रखें। ये सभी विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस एवं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किया गया है। शेयर बाजार एवं कमोडिटी बाजार में ट्रेडिंग हमेशा से ही जोखिम का कार्य रही है, अतः ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक एवं अपने सलाहकार से भी अवश्य निर्णय कर लें और हमारा डिस्क्लेमर्स भी अवश्य पढ़ लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।